हजरत नगर गढ़ी थाना क्षेत्र के गांव शाहपुर मेलक गांव के निवासी दो सगे भाई बहन निर्भय और श्रद्धा अपने चचेरे भाई युग के साथ शुक्रवार देर शाम को खेत पर खेलने के लिए गए थे। खेत के पास बने हुए ईंट भट्टे के गड्ढे में बारिश का पानी भरा होने के कारण तीनों बच्चों की डूबकर मौत हो गई। बच्चों की तालाब में डूबने की जानकारी तब हुई जबकि खेत से काम करके युवक वापस गांव की तरफ लौट रहा था। तभी ईंट भट्टे के पास पानी से भरे हुए गड्ढे के पास बच्चों की चप्पलें पड़ी हुई दिखाई दी तो ग्रामीण को गड्ढे में बच्चों के डूबने का शक हुआ। बच्चों की तलाश में ग्रामीण खुद भी गड्ढे में कूद गया लेकिन वे भी डूबने लगा। इसके बाद ग्रामीण ने बामुश्किल बाहर निकल कर अपनी जान बचाई। ग्रामीण ने शोर मचाया तो काफी संख्या में ग्रामीण वहां पर इकट्ठा हो गए। इसके बाद तैरने वाले एक युवक ने गड्ढे में कूदकर बच्चों की तलाश शुरू की तो तीनों बच्चों के शव गड्ढे में मिल गए। युवक की मदद से तीनों बच्चों को बाहर निकाला गया और उसके बाद परिजन तुरंत मुरादाबाद के निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे लेकिन डॉक्टरों ने सगे भाई बहन निर्भय और श्रद्धा व चचेरे भाई युग समेत तीनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। एक ही परिवार के तीन बच्चों की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। उधर हादसे की जानकारी मिलते ही SDM दीपेंद्र यादव और CO अरुण कुमार सिंह हजरत नगर गढ़ी थाना प्रभारी सतीश यादव के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर परिजनों से घटना की जानकारी ली और परिजनों को मदद का आश्वासन दिया। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीनों बच्चों के शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्यवाही शुरू कर दी है। ईंट भट्टा कारोबारी के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर आक्रोशित हुए परिजन हजरत नगर गढ़ी थाना इलाके के शाहपुर मिलक गाँव में ईंट भट्टे के गड्ढे में डूबकर एक ही परिवार के तीन बच्चों की मौत के बाद परिजन ईंट भट्टा कारोबारी के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर आक्रोशित हो गए। मासूम बच्चों के परिजनों का आरोप है कि ईंट भट्टा कारोबारी की लापरवाही के कारण गड्ढा खुला रह गया, इस कारण गड्ढे में बारिश का पानी भर गया और इस वजह से यह हादसा हुआ है, इसलिए ईंट भट्टा कारोबारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। SDM दीपेंद्र यादव का कहना है कि पानी से भरे गड्ढे में डूबकर तीन बच्चों की मौत हो गई है। बच्चों की मौत के मामले में तीनों बच्चों के शवों का पंचनामा भरने की कार्यवाही की जा रही है और जो भी मदद होगी वह दी जाएगी। कितने बजे घटना है? ये 5-6 के बीच। और डेड बॉडी का बरामद है? ये सर बरामद होने के बाद निकाल करके सीधे हॉस्पिटल जब वापस तभी सूचना मिली हम लोग को तब हम लोग। सर ये शाहपुर मिलक में जो तीन बच्चों को डूबने से मौत हुई है उसमें क्या कहना है आपका? आज सायंकाल ये बच्चे खेत में जहाँ इनका धान लग रहा था वहाँ पर गए हुए थे, जहाँ पास ही एक और खेत में ये खेलने घूमने चले गए होंगे और बताया जा रहा है कि उस खेत में ज़रूरत से ज़्यादा जो है गहराई थी और उस गड्ढे में जो है उसकी डूबने की वजह से इन तीनों बच्चों की जो है मृत्यु हो गई है। इनकी डेड बॉडी को निकाला था इनके परिजनों ने, गाँव वालों ने, वहाँ से मुरादाबाद एपेक्स हॉस्पिटल ले गए थे जहाँ इनको डेड घोषित किया गया। अब यहाँ पर आए हैं हम लोग, पंचायतनामा की कार्रवाई और इनको जो शासकीय सहायता दी जानी है वो सब कार्रवाई की जा रही है।